सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में भाई हम लोग रिव्यू करने वाले हैं अभी रिसेंट में रिलीज हुई मूवी पियर्स वन का, जो कि भाई एक पैन इंडिया रिलीज मूवी है। एंड अच्छी बात यह रही कि इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में तो रिलीज करा गया, बट इसको भाई अच्छी स्क्रीन्स भी मिली, बिकॉज इससे पहले जो साउथ की मूवीज रिलीज हो रही थी उनको भाई हिंदी बेल्ट में ज्यादा स्क्रीन ही नहीं मिलती थी, उनको देखने के लिए भाई काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। बट पियर्स वन के साथ ऐसा कोई भी सीन नहीं, आप लोग को ये मूवी इजिली आप लोग को थिएटर्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो में भाई इसी का रिव्यू करने की कोशिश करेंगे एंड बिना स्पॉइलर के मैं आप लोग को बताऊंगा कि भाई मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस मूवी को देखने के बाद, एंड आप लोग को इस मूवी को कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो भाई वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो भाई पियर्स वन मूवी का आप लोग को फुल फॉर्म पोन्नियिन सेल्वन देखने को मिलता है, एंड ये भाई इसी नाम के नॉवल पर बेस्ड स्टोरी होने वाली है। एंड ये भाई तमिल की सबसे ज्यादा फेमस नॉवल है, एंड इसकी स्टोरी के आप लोग को टोटल 5 वॉल्यूम देखने को मिलते हैं। अभी आप लोग को जो इस मूवी के अंदर स्टोरी देखने को मिल रही है वह स्टार्टिंग के पार्ट की है, एंड इसका आप लोग को एक अगला पार्ट भी देखने को मिलेगा, बिकॉज इसकी स्टोरी को अभी पार्ट 1 में एंड नहीं करा गया है। अब बात करते हैं भाई इस मूवी के स्टोरी की। तो भाई इस मूवी में जो आप लोग को स्टोरी देखने को मिलती है भाई चोला साम्राज्य की है, जिसमें आप लोग को 10वीं शताब्दी में चोल वंश के राज परिवार में क्या हुआ था उसकी स्टोरी देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप लोग को देखने को मिलता है कि राजा सुंदर चोल, जिनके कमजोर पड़ जाने की वजह से अब उनको राजगद्दी से हटा दिया गया है, उनके 2 लड़के और 1 लड़की है। उनमें से उनका जो 1 लड़का है उसका रोल भाई अपने चियान विक्रम ने प्ले किया है, एंड वो कैरेक्टर का नाम आप लोग को आदित्य देखने को मिलता है। एंड जो सेकंड कैरेक्टर है, जिनका दूसरा बेटा है, उनका रोल प्ले किया है जयम रवि ने, एंड उनके कैरेक्टर का नाम आप लोग को अरुल मोझी वर्मन देखने को मिलता है। वही सुंदर चोल की जो बेटी है उनका रोल भाई इस मूवी के अंदर त्रिशा मैम ने प्ले करा है, उनके कैरेक्टर का नेम आप लोग को इस मूवी के अंदर कुंधवी देखने को मिलता है, एंड उन्होंने भाई अपने रोल को काफी अच्छी तरीके से निभाया है। इनफैक्ट अगर मैं भाई यही पे आप लोग को बताना चाहूँ तो भाई इस मूवी की जो आप लोग को कास्टिंग देखने को मिलती है वह एकदम परफेक्ट है, हर एक कैरेक्टर को उसके रोल के हिसाब से ही कास्ट करा गया है आप लोग को कास्टिंग में, तो भाई ये मूवी कहीं से भी निराश नहीं करेगी। सो वापस अगर मूवी की स्टोरी पे आए तो चोल वंश, जहाँ का राजा भी काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, वहीं उसके बेटे अभी उसके पास नहीं है, तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए जितने भी दुश्मन थे चोल वंश के, उन्होंने चोल वंश पे आक्रमण करने का डिसीजन कर लिया था, जहाँ पे उन्होंने डिसाइड करा था कि जो राजा है उसके साथ ही उसके बेटे को भी मार देंगे, एंड चोल वंश का जो सर्वनाश है वो हो जाएगा। अब क्या वो चीज में सक्सेसफुल हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं, इन सब के लिए तो भाई आप लोग को इस मूवी को देखना पड़ेगा। सो ओवरऑल अगर मैं भाई इस मूवी का कंक्लूजन बताऊं तो इस मूवी के अंदर आप लोग को सत्ता को लेकर जो जंग है वो देखने को मिलेगी, एंड इस जंग में क्या चोल साम्राज्य खुद को बचा पाता है या फिर नहीं बचा पाता है, वही सब भाई मेकर्स ने इस मूवी में आप लोग को दिखाने की कोशिश करी है। एंड जैसा मैंने आप लोग को बताया कि अभी स्टोरी को पहले पार्ट में खत्म नहीं करा गया, इसका आप लोग को सेकंड पार्ट भी देखने को मिलेगा। तो भाई अगर आप लोग इस मूवी को कंप्लीटली देख लोगे देन आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग को अभी काफी सारी स्टोरी है जो कि भाई मेकर्स के पास पेंडिंग है बताने के लिए। अब देखो भाई अगर मैं कंक्लूजन बताऊं कि पर्सनली मेरे को मूवी कैसी लगी, तो भाई एक वर्ड में इस मूवी को मैं डिस्क्राइब करूंगा कि भाई ब्रिलियंट स्टोरी थी, बट यहाँ पे आप लोग को कुछ वीक VFX देखने को मिलते हैं, बट VFX से आप लोग को बहुत ज्यादा शिकायत नहीं होगी, बिकॉज इसके मैक्सिमम सीन्स को भाई लाइव लोकेशन पे शूट करा गया है। हाँ कुछ जगह पे आप लोग को VFX देखने को मिलता है, वहाँ पे आप लोग को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, बट यहाँ पे भाई कुछ लोग को ऐसा लग सकता है कि भाई मूवी का बजट तो 500 करोड़ था, तो भाई मूवी में आप लोग को VFX में कमी कैसे देखने को मिल रही है। तो देखो भाई यहाँ पे इसका सिंपल सा रीजन यही कि भाई इसमें आप लोग को साम्राज्य की स्टोरी देखने को मिलने वाली है, जिसमें आप लोग को भाई अलग अलग राज्य की स्टोरी देखने को मिलेगी, एंड उसमें भाई बहुत ज्यादा कास्टिंग लगती है, एंड उसके लिए भाई बहुत बड़े बड़े सेट्स को बनाना पड़ता है, एंड इसी वजह से भाई पार्ट 1 में जब इसके नए सेट्स बनाए गए थे तो उनका भी खर्चा इंक्लूड करा गया है। इसका जब पार्ट 2 आएगा तो उसका बजट आप लोग को कम ही देखने को मिलेगा, प्लस भाई इसी के साथ ही बहुत सारे एक्टर्स हैं तो उनकी फीस भी होती है, तो अधिकतर बताया जा रहा है कि इस मूवी का जो बजट है भाई एक्टर्स की फीस में ही चला गया है, इसी वजह से आप लोग को थोड़ा सा इसका जो VFX है वो वीक देखने को मिलता है। बिकॉज जब आप लोग इस मूवी को देखोगे तो आप लोग को इस मूवी के अंदर इतने सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे कि आप लोग को भाई आधे का तो नाम ही नहीं याद रहेगा, एंड कुछ के नाम तो भाई इतने ज्यादा टफ है कि आप लोग उनको भाई अच्छे से प्रोनाउंशिएट भी नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मेरे लिए भी भाई काफी ज्यादा मुश्किल था कैरेक्टर्स को याद रखना। बट इस एक कैरेक्टर जिसके लिए आप सभी वेट कर रहे होगे वो था भाई ऐश्वर्या राय का कैरेक्टर। तो देखो भाई उनका रोल आप लोग को इस मूवी में छोटा सा ही देखने को मिलता है, लेकिन उनका जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है। मैं बता के आप लोग को स्पॉइल तो नहीं करूंगा, बट जब आप लोग मूवी को देखोगे देन आप लोग भी शॉक होने वाले हो। अगर आप लोग को भाई नॉवल की स्टोरी नहीं पता है, तो जिन लोग को भाई पता है तो उन लोग को पता होगा कि भाई ऐश्वर्या राय का कौन सा रोल इस मूवी के अंदर होने वाला है। सो मैं भाई रिव्यू के लास्ट में इस मूवी को रेट करना चाहूँ तो भाई मेरे हिसाब से भाई ये मूवी फन टू वॉच है, एंड मैं इसको भाई रेट करना चाहूंगा 4.5 out of 5 star, बिकॉज इसके अंदर आप लोग को अपनी इंडियन हिस्ट्री की स्टोरी देखने को मिलती है, एक ऐसी स्टोरी जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है। भले ही भाई नॉवल फिक्शनल है, बट उसके अंदर जो भाई आप लोग को इंसिडेंट देखने को मिलते हैं भाई रियल लाइफ में हो चुके हैं, एंड आप लोग को भी पता चलेगा कि भाई अपनी जो इंडियन हिस्ट्री थी वो कितनी ज्यादा रिच थी, जिसको भाई लोगों से छुपाया गया है। तो उसके हिसाब से भाई ये मूवी मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, बिकॉज भाई ये मूवी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको भाई बहुत बार बनाने की कोशिश करी गई थी लेकिन मेकर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, तो भाई मणिरत्नम सर ने अगर इस मूवी को बनाया तो भाई उनको इस बात पे तो दाद देनी चाहिए। बाकी आप लोग बताना जितने लोगों ने इस मूवी को देख लिया आप लोग को पर्सनली मूवी कैसे लगे, एंड कितने लोगों ने भाई इस मूवी के अर्ली शोज को भी अटेंड करा था, आप लोग के जो भी थॉट्स हैं उसको आप लोग भाई जरूर से शेयर कर सकते हो। आगे भाई इसके ऊपर जो भी मेरे को सेकंड पार्ट की अपडेट मिलेगी या फिर कुछ और नई कंफर्मेशन मिलेंगी मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए अगर आप लोग को भाई ये रिव्यू वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस ऑफ।